So फाइनली वीवो की तरफ से वीवो U20 ये एक तरीके से लॉन्च हो चुका है इन द साइट ऑफ द मोबाइल मार्केट। और आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक फीचर बताऊंगा जो कि आपको वीवो U20 में भी नहीं देखने मिलेगा। यानी कि आप वीवो U20 में स्प्लिट स्क्रीन की हेल्प से इजीली एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को इजीली ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे आज के मैं आप वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप वीवो U20 में मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं और एक ही एप्लीकेशन यानी कि एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को किस तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में वीवो U20 का मोबाइल नहीं है, ये एक मेरा अदर स्मार्टफोन है, लेकिन ये इसमें ट्रिक करने का मतलब यही है कि आप ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ये आप सिर्फ वीवो U20 में ही नहीं, इवन कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सिंपली इस ट्रिक की हेल्प से आप स्प्लिट स्क्रीन को स्प्लिट करके इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वीवो U20 है और आप चाहते कि आप अपने वीवो U20 में स्क्रीन को स्प्लिट करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, देन सिंपली जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा एंड यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन है जो कि सर्च करना होगा, स्प्लिट स्क्रीन लॉन्चर है, ये आपको एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। देन इसके बाद सिंपली इसको ओपन करना है एंड जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको नीचे के साइड में जो लुक है मोबाइल का या इंटर लुक वो इस तरीके से दिखेगा एंड यहाँ पे आपको शॉर्टकट का ऑप्शन होगा, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन को टॉप में रखना है एंड कौन से एप्लीकेशन को बॉटम में, यानी कि मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप में सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आपके वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे जो करंटली आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ टॉप ऐप के लिए एंड बॉटम ऐप के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सिलेक्ट इट। ओके, सो लेट सेलेक्ट इट फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन सेव करना है, उसके बाद ऐड ऑटोमेटिकली। जैसे आप ऐड ऑटोमेटिकली करेंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन का शॉर्टकट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देन इसके बाद आपको स्क्रीन को स्प्लिट करने से पहले जो रोटेशन है अपने मोबाइल का उसको ऑन रखना है एंड जैसे इसमें मैं टैप करूँगा ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। सो 1, 2 and 3। Isn't it cool? So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर के टाइप में है, ऊपर है मेरा ये क्रोम ब्राउजर एंड नीचे है यहाँ पे फ्लिपकार्ट। सो गाइस इसको जब आप रोटेट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है एंड यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी ब्राउजिंग कर सकते हैं और यहाँ पे चाहे तो आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग फीचर है गाइस, इसकी हेल्प से आप इजीली स्क्रीन को स्प्लिट करके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आपका कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सेव हो जाएगा अगर आप दो आपको ज़रूरत है दो एप्लीकेशन को यूज़ करने की। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ये सिर्फ आप वीवो U20 में ही नहीं, इवन कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और स्क्रीन को स्प्लिट करके सिंपली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द वे वेर यू कैन ईजिली स्प्लिट स्क्रीन इन द स्मार्टफोन दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ वीवो U20। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। इफ यू लाइक दिस वीडियो दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएशन फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।